Hello dear learners, in this video we are going to learn an important structure that will help you to create sentences in your day-to-day English. So must learn the structure to improve your English. So let's begin. So here are some sentences and how to translate these sentences in English. Let's know. आसीबार होइतिले से आसी सरंदणी बा आमे कहि परबा कि से आसीबार होइतिले आसी सरंदणी बा कहि परबा ताकु आसीबार होइतिले से आसी सरंदणी समते कहबे कि ताकु जणैबार होइतिले से जणै सरंदणी खाइबार होइतिले मु खाइ सरंदणी बा मते खाइबार होइतिले मु खाइ सरंदणी तले ई सब सेंटेंसेस को केमते ट्रांसलेट करबा सेते पई फर्स्ट आमे हर स्ट्रक्चर जानबा सो स्ट्रक्चर कौन रहिछ ना एमते टाइप ऑफ सेंटेंस पई आमे फर्स्ट आमे स्टार्टिंग रे इफ यूज करबा एंड इफ परे हमर सब्जेक्ट आसीबो ओके एंड सब्जेक्ट परे आमे हैड टू यूज करबा ता परे हैड टू परे मन रखिबे कि जो मेन वर्ब आसीबो तारो आमे v1 फर्स्ट फॉर्म वर्बर फर्स्ट फॉर्म यूज हबो तापर ऑब्जेक्ट रहबो एटा गोटे फ्रेज बा एटा गोटे क्लॉज हे गला जेमते कहबे कि आसीबार हेइतिले से आसी सरंदणी तो ए सेंटेंस से आसीबार हेइतिले गोटे फ्रेज बा गोटे क्लॉज एंड से आसी सरंदणी एटा सेकंड क्लॉज बस सेकंड फ्रेज तो दुईटा फ्रेज बा डबल क्लॉज रहउछि तो सेतले कि स्ट्रक्चर भी हमरो डबल रहिछि ओके सो जो फर्स्ट क्लॉज हम यूज करबा ना जेमते कि हम फर्स्ट गोटे एग्जांपल नै छि कि आसीबार हेइतिले बस से आसीबार होइतले एटा हो जे फर्स्ट क्लॉज फॉर फर्स्ट फ्रेज हमें कहबा तो एटी हमें इफ यूज करबा इफ प्लस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट पर एटी हमें हैड टू यूज करबा एंड हैड टू पर हमर जो जहां भी मेन वर्ब दिबो हमें तारो फर्स्ट फॉर्म वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म v1 यूज करबा तापर जदि हमर ऑब्जेक्ट दिबो हमें ऑब्जेक्ट यूज करबा तापर सेकंड क्लॉज आसीबो जोटा कि से आसी सरंदणी एंड सेठी हमें कौन यूज करबा ना सेठी भी हमरो सब्जेक्ट आसीबो को सब्जेक्ट ना जोटा हमरो फर्स्ट क्लॉज रे इफ पर जो सब्जेक्ट यूज हेतबो सेही सब्जेक्ट सेठी रहिबो तापर हमें यूज करबो वुड हैव आसी सरंदणी वुड हैव तापर वुड हैव वुड प्लस हैव जेतु आसुचे ना हैव आसीगल माने हमरो जो मेन वर्ब आसीबो मेन वर्ब रो थर्ड फॉर्म v3 यूज हेबो तापर हमरो ऑब्जेक्ट रहिबो क्लियर आपन को स्ट्रक्चर जदि भी बड़ो लगतो बट जतरा हमें ए सब सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करबा सेते बड़ो नुहे ट्रांसलेशन सेते बड़ो नुहे आपन बहुत इजीली बुझी परिबे ओके तो मैं फर्स्ट सेंटेंस देखिबा से आसीबार होइतिले आसी सरंदणी कहि परबा नले कहि परबा आसीबार होइतिले से आसी सरंदणी तो एठो ए सेंटेंस रे हमें जानि परछे कि सब्जेक्ट हमर से जोंथि लागि हमें ही नले सी यूज करबा तले एबे हमें स्ट्रक्चर पकिबा कि स्ट्रक्चर हमर कोन रहिछ ना स्टार्टिंग रे हमें इफ यूज करबा एंड इफ पर हमर सब्जेक्ट रहबो तो एठी सब्जेक्ट होउछि से तो ता लागि हमें ही यूज कर परबा नले सी यूज कर परबा इफ ही और इफ सी तापर हमर हेड टू रहबो ओके आसीबार होइतिले फर्स्ट हमें ए सेंटेंस को ट्रांसलेट करछ बा ए क्लॉज को हमें ट्रांसलेट करछ कि से आसीबार होइतिले इफ सी हैड टू कम हैड टू परे अपन सब बेले वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म v1 यूज करबे इफ सी हैड टू कम तापरे से आसी सरंदणी एठी हमर सब्जेक्ट कोन रहबो से सेम सी नले जदि हमें स्टार्टिंग रे ही यूज करथवा तो एठी हमें ही यूज करबा नले जदि हमें इफ परे सी यूज करथवा तो एठी हमें सी यूज करबा सी वुड हैव कम सेकेंड क्लॉज रे हमरो वर्ब कोन हेल्पिंग वर्ब कोन आस्ते ना वुड हैव सब्जेक्ट रहला सी एंड ता पर हमर हेल्पिंग वर्ब वुड हैव आस्ते जेहेतु वुड प्लस हैव आस्ते तो हैव पर हमें वर्ब रो थर्ड फॉर्म यूज करबा मन रखबा तो कम रो थ्री फॉर्म्स बा तीनटा को फॉर्म हेउछि समान सेत लागि कम जोटा कि वुड हैव पर जो कम यूज हेछि सेटा होछि वर्ब रो थर्ड फॉर्म ओके इफ सी हैड टू कम सी वुड हैव कम ताको आसीबार हेइतिले से आसी सरंदणी बा आसीबार हेइतिले से आसी सरंदणी सेमती आउ गोटे सेंटेन्स देखा जणैबार होइतिले से जणै सरंदणी ताकु जणैबार होइतिले से जणै सरंदणी एठे हमर सब्जेक्ट होची ताकु जहर इंग्लिश हि नले सी आसीबो तो फर्स्ट हमें ट्रांसलेट करबा कि इफ ही हैड टू इनफॉर्म एठे देखंतु इनफॉर्म यूज होला काहे ना हैड टू परे हमें v1 वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म यूज करबा इनफॉर्म इफ ही हैड टू इनफॉर्म ही वुड हैव इनफॉर्मड एठे इनफॉर्मड यूज होला काहे कि ना वुड हैव परे हमें v3 यूज करबा ओके इफ ही हैड टू इनफॉर्म ही वुड हैव इनफॉर्मड नले कहि परबा इफ सी हैड टू इनफॉर्म सी वुड हैव इनफॉर्मड ताकु जणैबार होइतिले से जणै सरंतणी आमे लेखिला बेले आमे कॉमा यूज करबा बट कहिला बेले सेमते किछि कहिबा दरकार नहि ओके सेमते नेक्स्ट सेंटेंस देखबा कि खाइबार होइतिले मु खाइ सरंतणी बा कहि परबा कि मोते खाइबार होइतिले मु खाइ सरंतणी इफ आई हैड टू ईट आई वुड हैव ईटन If I had to eat, I would have eaten. Eat, had to परे eat v1 यूज़ हला, would have परे eaten v3 यूज़ हला. Okay. सेम तो कहेबा
जीवार होइतिले मु जाई सरंतनी बा मोते जीवार होइतिले मु जाई सरंतनी इफ आई हैड टू गो आई वुड हैव गॉन इफ आई हैड टू गो आई वुड हैव गॉन सेमती कहिबा आसीबार होइतिले से माने आसी सरंतनी कहि परबा नल एम्ती कहि परबा कि से मनन को आसीबार होइतिले से माने आसी सरंतनी तो एठे हम सब्जेक्ट प्रेसी होला कि से माने इफ दे हैड टू कम दे वुड हैव कम इफ दे हैड टू कम दे वुड हैव कम सेमती कहबा कि तुमको देबार होइतिले तुमे देई सरंतनी दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्राई टू ट्रांसलेट इट।